सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कुछ समय पहले हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट की, यानी कि हाउसफुल 5 का, जिसे फैंस को एक बड़ा तोहफा मिला। साजिद नडेला द्वारा प्रोड्यूस और तरुण मनसुखानी द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट की जा रही भारी भरकम बजट के साथ भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी जा रही है। वहीं अब इसकी शूटिंग पर बड़ा अपडेट सामने आया, जिसके जानकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग पर बड़ा अपडेट दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाउसफुल अक्षय और साजिद दोनों के लिए काफी करीबी फ्रेंचाइजी है। उन दोनों ने एक ऐसे सब्जेक्ट को सुलझाया है जो न केवल इस मैड कैप कॉमेडी की दुनिया के साथ न्याय करता है, बल्कि जोखिम भी बढ़ाता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले फाइनल हो चुका है और 15 जनवरी से इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फिलहाल ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पे है। हाउसफुल 5 को बड़े पैमाने पर शूट किया जाएगा। हाउसफुल 5 को बड़े पैमाने पर यूके में शूट किया जाएगा, जहां प्रोड्यूसर्स ने कुछ भव्य सेट और स्थानों की योजनाएं बनाई है। ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन कॉमेडी और रोमांस के साथ एक ड्रामा होने की उम्मीद है। ये फिल्म दिवाली 2024 के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख पिछली फिल्मों की अपने कैरेक्टर्स को दोहराते हुए नजर आएंगे। साथ ही स्टारकास्ट में कुछ नए स्टार्स भी जुड़े जाएंगे। फिल्म में एक क्रॉसओवर भी होने वाला है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये फिल्म हाउसफुल यूनिवर्स होने वाला है, जहां पे फिल्म के पिछले फ्रेंचाइज के काफी सारे कैरेक्टर्स इस फ्रेंचाइज में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साजिद नडेला दिसंबर 2024 तक हाउसफुल 5 को फ्लोर पर ले जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि जब कास्टिंग में उम्मीद से अधिक समय लग रहा था, योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पिछले हफ्ते साजिद और अक्षय ने अभिषेक और जॉन से फिल्म के लिए साइन करने के लिए संपर्क किया था। हालांकि डेट मैच न होने के कारण दोनों सेलेब्स की ओर से इसे मना करने की जानकारी है, हालांकि अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ है। हाउसफुल 5 को 350 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। रूमर्स हैं कि फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, बॉबी देओल, कृति सनन, जैकलिन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा जैसे स्टार्स नजर आएंगे। अक्षय कुमार के करियर में ऐसे कई साल फिल्में आए हैं जिसमें उन्होंने एक से एक बढ़कर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। साल 2016, 18, 15 और 2007-6 ये अक्षय कुमार के लकी साल रहे। इन सालों में अक्षय ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन 90s के दशक में भी एक ऐसा साल रहा जब अक्षय ने अपने करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी और एक ही साल में उनकी सबसे ज्यादा फिल्में आई। और अक्षय कुमार के लिए लकी साल है 1994। इस साल अक्षय कुमार की 11 फिल्में रिलीज हुई, इनमें से 3 सुपरहिट जबकि एक ब्लॉकबस्टर निकली। वहीं 2 एवरेज फिल्म थी, वहीं 5 फ्लॉप फिल्में रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे जरूर सराहा। अक्षय कुमार ने साल 1994 में ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इक्के पिक्का, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम और हम है बेमिसाल जैसी फिल्में रिलीज की। अक्षय कुमार के साल की पहली हिट फिल्म ऐलान थी। इसके बाद उनकी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और सुहाग हिट हुई, जबकि मोहरा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जालिम और जय किशन एवरेज हुई थी। रीमेक और सीक्वल के इस दौर में अक्षय कुमार की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और सुहाग की रीमेक बनाने की बातें काफी लंबे से चल रही हैं। देखना इन बेहतरीन फिल्मों को कौन और कब रीमेक बनाता है। अक्षय कुमार और सनी देओल बॉलीवुड के ऐसे दो धुरंधर कलाकार हैं जिनके लोग दीवाने हैं। इसी साल अगस्त महीने में ये दोनों एक्टर ही बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने आए थे। 11 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 और सनी देओल की फिल्म गदर 2 थिएटर्स में एक साथ रिलीज हुई थी। वैसे तो इन दोनों ही फिल्मों पर ऑडियंस ने अपना भरपूर प्यार लुटाया था और रिलीज के साथ ही ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। जहां गदर 2 बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो वहीं ओ माय गॉड 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब विकिपीडिया के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार महज 50 करोड़ में बनकर तैयार हुई फिल्म ओ माय गॉड 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 221 करोड़ की कमाई करने में सफलता हासिल की थी, जबकि महज 60 करोड़ में बनी फिल्म गदर 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 691 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसलिए आज से तो गदर 2 अक्षय की ओ माय गॉड 2 से काफी आगे रही, लेकिन एक मामले में ओ माय गॉड 2 सनी देओल की गदर 2 से भारी पड़ चुकी है। दरअसल ओ माय गॉड 2 और गदर 2 दोनों फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी हैं और ओटीटी पर भी इन दोनों अक्षय और सनी देओल ही छाए हुए हैं। और मैक्स मीडिया ने अपनी टॉप थिएट्रिकल फिल्म ऑफ द वीक ऑन ओटीटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 नंबर 1 पे शामिल हुई है। वहीं इस लिस्ट में सनी देओल की फिल्म गदर 2 दूसरे नंबर पर है और आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 थर्ड नंबर पे है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर जरूर सनी देओल ने गदर मचाया, लेकिन ओटीटी पर अक्षय कुमार ने एक झटके में पूरा गेम बदल दिया है। वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपने ये दोनों फिल्में देखी हैं, हाँ या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।